हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे स्किन रिलेटेड डिजीज, स्किन टैग्स या स्किन बर्ड्स जिसको हम मस्सों के नाम से जानते हैं, और स्किन मोल्ड्स जिसको हम तिल के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके कारण के बारे में कि हमारे शरीर पर तिल तथा मस्सा क्यों होते हैं, और साथ ही हम जानेंगे कुछ घरेलू उपाय तथा मेडिसिन के बारे में कि कौन कौन सी मेडिसिन यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्किन पर ये धब्बे जिसको हम स्किन बैड्स या मस्से के नाम से जानते हैं। साथ ही हम बात कर रहे हैं तिल के बारे में। चलिए अब बात करते हैं कि तिल या मस्से के कॉज के बारे में, कि तिल या मस्से होने के क्या क्या कारण हैं। तो हमारे स्किन के नीचे जो कोलेजन फाइबर्स और ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसमें हम आर्टरी और वेंस को जानते हैं, जो कि आपस में कॉन्टेक्ट करके स्किन पर एक्युमुलेट हो जाते हैं और टैग्स बना लेती हैं। टैग्स के होने के दूसरा कारण है HPP वायरस। इसका मतलब होता है ह्यूमन पेपिलोना वायरस। इसके कारण भी आपको बैड्स देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं घरेलू उपचार के। तो टैग्स को हटाने के लिए हम एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेव के सिरके का यूज करते हैं। जब हम इसका उपयोग करते हैं तो टैग्स को पूरी तरह सुखा देता है और टैग्स धीरे धीरे झड़ जाते हैं और हमारी त्वचा पूरी तरह साफ हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेडिसिनल ट्रीटमेंट की। तो जनरली हम इस कॉज में थूजा आइंटमेंट या वार्टेक्स क्रीम का यूज करते हैं। तो आप इनमें से कोई एक क्रीम का यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इस क्रीम को दिन में 2 या 3 बार अपने बार्ड्स पर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इसका दूसरा ट्रीटमेंट होता है लेजर थेरेपी। इस थेरेपी में क्या होता है, जो स्किन बार्ड्स होता है उनमें लेजर बीम के द्वारा लेजर डाली जाती है। अब ये लेजर जो है आर्टरी और वेंस की सप्लाई को नष्ट कर देती है। अब जैसे ही ब्लड की सप्लाई बैड्स तक नहीं पहुँच पाती है तो बैड्स को न्यूट्रिएंट्स मिलने बंद हो जाते हैं और ये बैड्स डेड होकर सूख जाती है। तो इस विधि से भी बैड्स को इजीली रिमूव किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मोल्ड्स जिसको हम तिल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, स्किन पर ब्लैक कलर के दाग बन जाते हैं जिसको हम स्किन मोल्ड्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो स्किन के नीचे वाली लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, उसमें प्रजेंस जो मोनोसाइट्स होती है ये मिलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करती हैं। अब जितने ज़्यादा ये पिगमेंट बनते हैं उतने ज़्यादा ब्लैक कलर स्किन पर दिखने लगते हैं, जो कि हम तिल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मेलानोसाइट्स मिलानिन पिगमेंट का ओवर प्रोडक्शन कर देती है, जिसके कारण शरीर पर ब्लैक मोल्ड्स या तिल देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जानेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है बारबेरिस एक्यूफोलियम और थूजा ओसियाई। तो इन दोनों में से किसी एक मेडिसिन का एप्लीकेशन तिल वाली जगह पर किया जा सकता है। इस मेडिसिन को दिन में 2 टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको और भी किसी दवा के बारे में जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं।